तो अभी हम लोग जा रहे हैं भूटान, तो कुछ काम से अर्जेंटली रात को जाना पड़ा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इस डीपी के ब्लॉग। आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है एक नए एपिसोड पे। सो अभी हम लोग जा रहे, आज कुछ स्पेशल है, ठीक है, तो इसलिए सेफ और में निकल रहे हैं। क्या कैसा स्पेशल है वो उधर ही जाके बताएंगे, ठीक है। और अभी बहुत ही धूली धूली होके रखा है ना, दास होके रखा है, रास्ते पर तो मुँह पे धूली आ रहा है, दोनों तो बोलने का दिल है नहीं मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी सर्दी होके रखा है मेरे को। दवाई खाए हो? दवाई खाए, नहीं खा रहा है। मैं आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ, ठीक है, रॉक भैया का मम्मी का फास्ट फूड, मतलब यहीं पे है ना, तो मैं सोचा कि दो वीडियो आ चुका है कंटिन्यू, तो मैं उनका दुकान नहीं दिखाया, तो आज दिखा देता हूँ आप लोग को। रॉक भैया का तो अभी यहाँ नहीं है, मेरे को कल पता चला। तो ये सामने वाला जो फास्ट फूड है ना, ये वाला ये उनका पिताजी का स्कूटी। तो रॉक भैया तो इधर नहीं है, जिसकि कल मैं प्रेम भाई से मिला था, ठीक है, तो वो बता रहे थे कि रॉक भैया तो अभी सिलगुड़ी जा के रखा है, कुछ दिनों पे वापस आ सकता है। तो होप अभी मैं इधर रहने से तो मिल लूँगा, फिर अगर मैं चला गया तो फिर मिल नहीं पाऊँगा, लेकिन जो भी एक बार उनके पिताजी माताजी से मिल लेते, होपफुली आज नहीं तो कल मिल लूँगा, ठीक है, तो प्रेम भाई से भी मिल लूँगा। कल रात को ऐसे ही जस्ट मिला था मैं एक बार रात को, तो वो वीडियो भी नहीं बनाया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं अच्छी तरीके से कब, क्योंकि भाई भी उस टाइम थोड़ा बिजी थे, तो मैं भी उधर हाईवे से वापसी आ रहा था ना, तो अगर मैं चाहता हूँ उनका घर तो मिलने अच्छा से, तो तब वीडियो भी बना लो। तो यही अपडेट देना था आप लोगों को, कि दिखा भी दिया रॉक भैया का, वही है मम्मी जी और पिताजी का फास्ट फूड। मैं आज नहीं तो कल वहाँ पे एक बार विजिट करने वाला हूँ। स्टे ट्यून। मैडम जी को देखो, माफिया बन के घूम रही है इधर, ड्यूटी जा रही है, तो वो है माफिया, माफिया डॉन, माफिया से देखी रहते गुंडी ने इसके अंदर, डॉन जैसे देखी रहते, डॉन, हाँ, डॉन जैसे देख रहते मिला ही, तो अभी हम लोग आए थे मार्केट टमाटर लेने के लिए, ठीक है, अगर हमारी सोल्टे थी तो लाइक मेरे को बहुत कफ होके रखा है, तो आवाज़ भी चेंज हो गया होगा शायद। ऑलराइट गाइस, ये जो क्या भन्छ दियो भन्छ है ना, दिया जो जलाए वो हमारे माम के लिए था, ग्रैंड मदर यानी कि जो थोड़े दिन पहले एक्सपायर हुई है, ठीक है, उनके नाम पे ये दिया जलाए। कति 108 चलाउँछ कति हो र कति हो चलाउँछ दियो 108 नि 108 दिया जलाया जाता है, और ये उनकी आत्मा को शांति मिले बोल के ऐसा ही कुछ है, ठीक है, तामांग बुद्धिस्ट के नियम पे, तो इसलिए यही ऐसा ही कुछ ओकेशन है। और इधर मैं सब पढ़ रहे हैं ना, पूजा कर रहे हैं, तो यही है हमारे राज भाई, तेन सिंह भाई, तेन सिंह की अरे नाम तेन सिंह, अंत नाम पर खतरे से आया तेन सिंह। तो हम लोग गए थे अभी मार्केट, ठीक है, तो उधर का ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा तबीयत उतना सही नहीं था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं भूटान, तो कुछ काम से अर्जेंटली रात को जाना पड़ा, तो ठीक है। इधर हमारे सेफ, इधर पे जाए एक, ठीक है, नेपाल से आ गए, तो हम लोग निकल रहे भूटान की ओर। मेरे को कफ हो के रखा है, ठीक है, तो दवाई भी लिया, सुबह दो लिया था, लेकिन उसके बाद इतना रिकवर नहीं हुआ, अभी फिर एक में अलग सा दवाई लिया हूँ, तो होप सो ये इसमें
ये दवाई खाने के बाद थोड़ा रिकवर हो जाए। और इतना ज़्यादा स्पीड ब्रेकर है जय गाँव पे, पूछो ही मत, गली गली पे स्पीड ब्रेकर, ठीक है। तो यार अभी जैसे कि मैं बताया हम लोग भूटान जा रहे हैं और ब्लॉग भी कम्प्लीट नहीं हुआ था, तो ब्लॉग बनाना जरूरी। शॉपिंग मॉल पे मेरे को बनाने का दिल नहीं किया क्योंकि मैं तबीयत सही नहीं था, लिटरली सही नहीं था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है तो सोचा कि वीडियो कम्प्लीट कर देता हूँ बोल के। ये देखो ये सब भूटान है, ठीक है, उधर जो दिख रहा है वो भी भूटान है, इधर भी ये सब भूटान है, भूटान का व्यू। तपाईँहरूलाई फेरि पनि भुटानको भूमिबाट हस्तीले होइन आई लभ यूलाई कस्तो भन्छ अरे भुटानबाट, भुटान नागे छिलुवा, नागे छिलुवा, नागे छिलुवा, फुजम फुला, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै माया होइन, फेरि पनि फिर चाहिँ आप लोगको धेर सारा प्यार। अभी हामी भेरिफाई गर्ने उसके बाद भुटान यहाँ पे इधर सिर्फ आफ्ना आइडी डकुमेन्ट्स भेरिफाई गर्न चाहिँ एक बार कता तो गाइस इधर थोड़ा बहुत कॉन्सर्ट हो रहा है, ठीक है, लाइव कॉन्सर्ट यहाँ पे भूटान टर्मिनल पे और टर्मिनल का ठीक बाहर में। अच्छा उधर उधर भएको यहाँ पनि स्टेज छ, यता पनि हुन्छ होला सायद, यता पनि होइन माहौल भुटान का अभी रात का एंजल्स एंजल्स ऑफ भूटान। आप लोगों को मालूम है इस बैग में क्या है? अब भूटान को बाथरूम हेर न कति सफा छ, यतिको त हुनु पर्यो नि त। गाउँ बसेर त भुटान आना जाना त छिनछिनमै, यो यता इन्डिया गर उता भुटान गर, फेरि लाइनमा लागेको छ भुटान छिर्न। अहिले अभि अभि भुटान चाहिँ कता अभि फेरि एन्ट्री गर्ने भुटान, मतलब इधर बेटे छ त भुटानका त आना जाना त सेकेन्ड सेकेन्डमै हुँदै रहेको। तर गला खराब है, ठिक है, त माइन्ड मत गर्न क्योंकि आवाज पनि तर कमाएर हो। हजुर घाँटीमा यसरी टाँसै भयो नभए निधारमा शायद भूटान में कम मतलब कॉन्सर्ट उतना ज़्यादा नहीं होता ना शायद, इसलिए इतना क्राउड हुआ होगा इधर, मतलब इधर कॉन्सर्ट का नाम पे एकदम होता ही नहीं, बहुत ही कम होता है, तो इसलिए थोड़ा कम है ना, मतलब कॉन्सर्ट नहीं है ना तो भूटान पे उतना सब कॉन्सर्ट करने इतने अलाउड नहीं है, तो छोटा मोटा कॉन्सर्ट होता है लेकिन होता अच्छा है, अच्छा क्राउड भी होता है, ठीक है। थोड़ा मार्केट घूम रहे हैं ना, इधर देखो कितना अच्छा दिख रहा है, मतलब ये लामा का लगा के रखा है ना, अच्छी लास्ट सॉन्ग इस कॉल मी सेल तोंगमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मतलब जो नेपाली उन लोगों को तो समझ में आ ही जाएगा तोंगमा क्या है। यो जग्गाको बोल्दै फुन्सिलिङ होइन, फुन्सिलिङ बोल्दै, ठिक है, यो भुटानको फुन्सिलिङ एरिया है, जयगाउँ बोर्डर सामने, जयगाउँ बोर्डर सामने फुन्सिलिङ बोल्दै चाहिँ। तो इधर कन्सर्ट हो रहा है, हाम्रो कन्सर्टकै बिच बिचमै घुम्रे, मजा आ रहा है, जो भी बोलो मतलब गाना गा रहे, ठीक है, उन लोग गिटार म्यूजिक के साथ गाना गा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या गा रहे हैं क्योंकि हम लोग को भुटानिस नहीं आता ना, फिर भी जो भी कर रहे हैं मजा आ रहा है, हम लोग को घूमने को मजा आ रहा है, वो सुनने गिटार का साउंड अलग ही फीलिंग यार, कभी कभार विजिट करो यार भूटान, इतना पास में ही है, इंडिया का कॉरिडोर जयगाँव सिलगुड़ी, सिलगुड़ी जयगाँव पे इधर से ट्रैवल कर सकते हैं भूटान, बस आपको वोटर कार्ड लेके आना होगा नहीं तो आधार कार्ड, ठीक है, कभी कभार भूटान विजिट करो यार, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक रूल देखो इधर का अलग ही है भाई, जैसे ही इंसान मतलब पार हो रहा है चल के गाड़ी रुक गया,
ये अलग ही मजा है यार इधर भूटान पे। तो कभी कभार विजिट करना चाहिए भूटान। मेरा तो 2-3 बार हो गया भूटान विजिट किया हुआ। अगर फिर और एक हफ्ता इधर रह गए तो थोड़ा, हाँ अभी थोड़ा रेस्ट के एरिया पे। ठीक है, हम लोग भूटान आए कुछ इतना काम के लिए। अभी एक VIP पकड़ लिया, अभी वापसी जा रहे बस। और कल परसों कब होगा विजिट करेंगे, फिर थोड़ा बहुत घूमना है मुझे भूटान को, उतना फुल एक्सप्लोर नहीं हुआ है। ठीक है, तो होप फॉर द बेस्ट। आप लोग को भी अपडेट देते रहूँगा क्या कैसा रहेगा मेरा जर्नी इधर जयगांव भूटान। इधर ही घूम रहा हूँ मैं आजकल। ठीक है, 1-2 दिन इधर ही हूँ, उसके बाद मेरे को निकलना है बहुत ही जल्द यहाँ से। बिफोर 10 मेरे को इधर से निकलना है। ओके सो ऑल राइट गाइस, हम लोग भूटान से निकल गए। ठीक है, सो अभी हम लोग आ रहे हैं इधर आके रखे सेफ शेखर फास्ट फूड पे, जो कि लामा भाई ये थी, या नॉट लामा भाई ये थी नहीं बोलूँगा, ये थी जो दिल्ली पे है फर्स्ट ब्रांच ऑफ ये थी, उनका उस समय का शेफ, मास्टर शेफ उस समय का। ठीक है, जो कि है शेखर बोल के नाम है, जो उधर खड़ा हुआ है उधर है। ठीक है, ये रहे, यही है शेखर शेफ बोल के। ये थी में जितने भी काम करते हैं सब पहचानते हैं इनको, इनको ना पहचानने वाला ऐसा कोई बंदा नहीं है कि शेखर शेफ को कोई ना पहचाने। ठीक है, सो इनका इधर फास्ट फूड है जो गाँव पे, तो वहाँ पे आके रखे ऐसा है। शेखर शेफ का इधर का फास्ट फूड का मोमो। ठीक है, टेस्ट करते हैं क्या कैसा है। ऑब्वियसली नो डाउट बहुत ही अच्छा होगा शेखर शेफ का फास्ट फूड का मोमो। हमारे भाई ब्लॉग करने की कोशिश कर रहे। ठीक है, यस्तो गर हो, यसरी पनि हुन्छ नहुनेन, यसरी पनि हुन्छ, तर यसरी चाहिँ काटकुट गर्नुपर्छ क्या धेरै, बुझ्यो। सो अभी मोमो टेस्ट गर्न जा रहे। ठीक है, इधर का शेखर शेफ का फास्ट फुड का कस्तो छ तिमीलाई, कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो लाग्यो। दुईटा बन्द गरिदिने यति लोग दिन।